आज हम बनाएंगे एसगट की हेल्दी सब्जी। इसको सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं या चालकुमड़ा भी बोलते हैं। आज हम थोड़ा अलग तरीके से इसका सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है या गरम चावल के साथ भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नंदना और आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं। तो सफ़ेद कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ कद्दू को लंबा लंबा पीसेस में काटे और चाहिए 1/2 कप गोविंदभोग राइस। ये राइस दिखने में छोटा छोटा होता है और इसका फ्लेवर बहुत ही सुंदर होता है। और चाहिए थोड़ा सा मसाला। तो मसाला के अंदर मैंने रखे 2 हरी मिर्ची, 1/2 इंची के करीब अदरक, थोड़ा सा दालचीनी और 2 इलायची। तो देखिए मसाला का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में हमने यहाँ 2 टीस्पून घी डाले, गैस का फ्लेम मीडियम में ही है। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1 सूखी मिर्च, कुछ देर चलाएं। अब डालेंगे 1 तेज़पत्ता और जो चावल हमने रखे थे उसको अच्छे से धो लिया। कुछ देर तक उसको घी में ही फ्राई करना है। चावल को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चीनी, अच्छे से मिलाएंगे चावल के साथ। आप जो मसाला का पेस्ट तैयार करके रखे थे उसको डालें, चावल के साथ मिलाएंगे। मसाला अच्छे से जब पक जाए तब हम सफ़ेद कद्दू को डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखते हुए इस टाइम कद्दू को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे। ये सब्जी से ऐसे ही पानी निकलता है। ऊपर से थोड़ा सा 2 टीस्पून पानी हमने डाले, गैस का आँच एकदम धीमा करके 10-15 मिनट के लिए ढक्कन ला के रखे थे। तो देखिए कद्दू तो अच्छे से पक गया है। अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून नारियल, किसी हुए नारियल को डालेंगे डालने के बाद, और 1 टीस्पून घी डाल के अच्छे से चलाएं। इस टाइम बार बार चलाते जाएंगे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब ऊपर से 1 टीस्पून के करीब मैंने किशमिश डाले। तो बस हेल्दी एसगट की सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब इसको दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।